भारत और इंडिया नाम को लेकर विवाद का असर देश से बाहर इंडोनेशिया तक जा पहुंचा है। पीएम मोदी 6 और 7 सितंबर को इंडोनेशिया दौरे पर गए हैं। G20 समिट के निमंत्रण पत्र में तो पहले ही प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा जा चुका है। इसके अलावा G20 को लेकर अधिकारियों के जो कार्ड बनवाए गए हैं उनका कार्ड भी बदला जाएगा और कार्ड में इंडिया की जगह भारत लिखकर दोबारा दिया जाएगा। अब पीएम नरेंद्र मोदी के इंडोनेशिया दौरे पर भी इंडिया की जगह भारत नाम का इस्तेमाल किया गया है। पीएम के ऑफिशियल दौरे पर इंडिया की जगह भारत लिखा गया है। बीजेपी प्रवक्ता समित पात्रा ने इसको लेकर इस दौरे के कार्यक्रम से जुड़ा एक कार्ड शेयर किया है जिस पर प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत लिखा हुआ है। आपको बता दें कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी बुधवार सुबह भारत और इंडिया नाम को लेकर जारी विवाद पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि जिन्हें लगता है कि देश का नाम इंडिया होना चाहिए उन्हें देश का संविधान पढ़ना चाहिए। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि संविधान में लिखा है इंडिया दैट इज़ भारत। जब आप भारत कहते हैं तो एक अर्थ, एक समझ, एक अनुमान आता है, इसलिए मेरा मानना है कि यही हमारे संविधान में भी परिलक्षित है। देश का नाम इंडिया से बदलकर भारत किए जाने का मुद्दा अचानक से सामने नहीं आया है। इसकी मांग लंबे समय से उठ रही है। सुप्रीम कोर्ट में इसको लेकर 2 बार याचिका भी दाखिल हुई है जिन्हें खारिज कर दिया गया था। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि संसद के विशेष सत्र और G20 शिखर सम्मेलन से पहले देश में एक नया सियासी भूचाल खड़ा हो गया है। अटकलें हैं कि सरकार विशेष सत्र के दौरान संविधान से इंडिया शब्द को हटाने के लिए बिल ला सकती है। इस बीच राष्ट्रपति भवन की ओर से G20 समिट के दौरान रात्रि भोज के लिए भेजे गए निमंत्रण पत्र पर प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखे जाने पर कांग्रेस भड़क गई है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने आरोप लगाया है कि मोदी सरकार ने चुपके से देश का नाम इंडिया से बदलकर भारत कर दिया है। उन्होंने कहा यह संविधान के खिलाफ है, अब राज्यों का संघ खतरे में है। ऐसे में आप सोच रहे होंगे कि एकाएक यह बवाल कैसे खड़ा हो गया। सबसे पहले सरकार को यह सुझाव किसने दिया और संविधान और सुप्रीम कोर्ट में इंडिया और भारत को लेकर क्या कहा गया? लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर विपक्षी दलों ने गठबंधन बनाया है और इसका नाम INDIA रखा है। इसके बाद इसी महीने RSS के सरसंघ चालक मोहन भागवत ने एक कार्यक्रम में लोगों से अपील की थी कि वे इंडिया की जगह भारत नाम का इस्तेमाल करें। उन्होंने कहा था कि सदियों से देश का नाम भारत ही है, इंडिया नहीं। संविधान के अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि इंडिया जो कि भारत है राज्यों का एक संघ होगा। यहाँ एक बात समझना जरूरी है कि संविधान का अनुच्छेद 1 इंडिया और भारत दोनों नामों को आधिकारिक मान्यता देता है। ऐसे में अगर सरकार केवल भारत को आधिकारिक नाम बनाने का निर्णय लेती है तो उन्हें संविधान के अनुच्छेद 1 में संशोधन करने के लिए एक विधेयक पेश करना होगा। संविधान का अनुच्छेद 368 संविधान को साधारण बहुमत संशोधन या विशेष बहुमत संशोधन के माध्यम से संशोधित करने की अनुमति देता है। इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के मुताबिक मार्च 2016 में सुप्रीम कोर्ट में देश का नाम इंडिया की जगह भारत किए जाने की मांग को लेकर याचिका दाखिल करती थी जिसे अदालत ने खारिज कर दिया था। इसके 4 साल बाद यानी 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर इंडिया से भारत नाम बदलने की मांग वाली इसी तरह की याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। उस समय न्यायालय ने सुझाव दिया था कि याचिका को एक अभ्यावेदन में परिवर्तित किया जा सकता है और उचित निर्णय के लिए केंद्र सरकार को भेजा जा सकता है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको इंडिया वर्सेस भारत का जो विवाद है इसे समझने में मदद मिली होगी। आज के लिए बस इतना ही, इसी के साथ विदा लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।